नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंडिया की तरफ से। आपको पता भाई, लगभग 23 मार्च 2020 से फ्लाइटें बंद हो गई थी कोरोना वायरस से या कोरोना महामारी को देखते हुए। ऑल वर्ल्ड में फ्लाइटें स्टॉप और लगभग तीन चार पाँच महीने तक फ्लाइटें बंद रही, आज ओपन हो रही है। ऐसे करते करते 5-6 महीने निकल गए, ये महीना अक्टूबर का ख़त्म हो के नवंबर का स्टार्ट होने के लिए आ गया। तो आज समझ सकते हैं 7-8 महीने का लंबा पीरियड में, लेकिन फिर भी इंडियन सरकार ने धीरे धीरे कोशिश करके लगभग 18 देशों के साथ एयर बबल्स के तहत समझौता किया। जी हाँ साथियों, एयर बबल्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ कंडीशनों के साथ, शर्तों के साथ फ्लाइटें स्टार्ट करना, ताकि वो सरकार भी अपने शर्त मानती है और हमारी सरकार उनकी शर्त मानती है, यानी दोनों तरफ से एक अग्रीमेंट होता है, उस शर्तों के आधार पे फ्लाइट स्टार्ट हो जाती है। तो इंडियन सरकार की तरफ से, इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से 18 देशों के साथ ये एयर बबल समझौता हुआ है। डिटेल से मैं बताऊंगा कि 18 वो कौन कौन से देश हैं जिनके साथ इंडियन फ्लाइटें आदान प्रदान हो रही है, जा भी रही हैं उधर से आ भी रही हैं। हालांकि उसमें बहुत ऐसी कंट्री भी हैं जिनमें कोरोना बहुत कम है, ऐसी कंट्री भी है जिनमें बहुत कोरोना हाई है, लेकिन कुछ कंट्रियाँ में नहीं होने के बावजूद भी इंडियन फ्लाइट को उन्होंने मान्यता दी, एयर बबल्स में उन्होंने समझौता किया। तो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। बाकी इंडियन सरकार ने आपको बताया भाई, इंडिया ने भी विजिट वीज़ा, इंडिया में जो आने वाले उनके लिए वीज़ा स्टार्ट कर दिए गए। 3 वीज़ा को छोड़ के विजिट वीज़ा में आप इंडिया घूमने नहीं आ सकते। एक आपको चिकित्सा वीज़ा, जो अस्पताल में इलाज कराने के लिए आना चाहते हैं, वो वीज़े पे आप नहीं आ सकते। पर्यटक के तौर पे आप घूमना आना चाहते हैं विदेश में, दुबई की इंडिया में भाई घूम के देखें, वो आप एक बार आप नहीं आ सकते, दूसरे देशों के लोग। 3 कैटेगरी के, बाकी पूरा प्रोसेस चालू है। इंडिया के लोग भी इंडिया वापस आ सकते हैं, दूसरे देश जो इंडिया के लोग वहाँ फंसे हुए वो भी इंडिया आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वीज़ा लेके आप आ सकते हैं, दोबारा से वीज़ा स्टार्ट हो चुके हैं। 18 देशों के मैं नाम बताऊँगा, उन देशों से एयर बबल्स स्टार्ट है, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। लेकिन बस वही है, आपको आने से कम 72 घंटे पहले का आपके पास COVID-19 प्रमाण पत्र है, वो जो दिल्ली एयरपोर्ट की सुविधा उसके नाम से आपको अप्रूवल आपको लेना होगा, कोविड टेस्ट रिपोर्ट आपको देनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपको ये भी फायदा भाई सरकार की तरफ से, इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से मिल जाएगा कि आप विदेश से जाने से पहले वहाँ एक कोविड टेस्ट करवा सकते हैं। 6 घंटे पहले आपको जाना होगा, आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी 6 घंटे में। आप वहाँ पर आराम करें, रुके, फिर आपको कोविड टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट लेके दूसरे देश में जा सकते हैं, बाहर आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये भी एक अच्छी पहल सरकार की तरफ से की गई है। विदेश यात्रा के लिए आपको करना क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का आपको पालन करना होगा कड़ाई के साथ। 14 दिन आपको क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन रहना होगा। 14 दिन आपको होम क्वारंटाइन की व्यवस्था इसमें दी गई है। अगर आप रिपोर्ट लेके नहीं आते हैं तो 7 दिन आपको सरकार की तरफ से क्वारंटाइन वहीं पे रहना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। अगर आप डायरेक्ट घर जाना चाहते हैं तो जहां से भी आप आ रहे हैं वहां की जो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है वो 72 घंटे पहले दिल्ली एयरपोर्ट के नाम से जो वेबसाइट है उस पर आपको अपलोड करके अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद डायरेक्ट आप घर जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऐसे 18 देश जहां से इंडिया की फ्लाइटें जा रही हैं, इंडिया से फ्लाइटें आ रही हैं दोनों तरफ से। अफगानिस्तान इंडिया से जा रही हैं, वहां से आ रही हैं बांग्लादेश, बहरीन, ओमान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, मालदीव, नाइजीरिया, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, केन्या, यूक्रेन, भूटान, ब्रिटेन, अमेरिका। जी हाँ साथियों, ये 18 देश ऐसे हैं जहाँ से आप इंडिया से जा सकते हैं फ्लाइट के थ्रू, और वहाँ से इंडिया आ सकते हैं दोनों के साथ एयर बबल। 18 कंट्रियों का मैंने बता दिया। जैसे और कोई नई अपडेट आएगी मैं आप लोगों के साथ जरूर करूंगा वीडियो शेयर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।